दोस्तों, जब भी कोई स्टॉक अपट्रेंड में हो और प्राइसेस अपने नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंच रही हो, देन लेट्स से जो पहली कैंडलस्टिक है वो एक लॉन्ग बॉडी बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म हो जाती है, विच कंफर्म द पॉजिटिव मोमेंटम इन द स्टॉक। जो दूसरी कैंडलस्टिक है उसकी फॉर्मेशन के दौरान बुल्स प्राइसेस को रेजिस्टेंस लेवल के पास ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजिशन बिल्डअप हो जाने की वजह से ऐसा नहीं कर पाते और यहाँ पर हमें एक लॉन्ग अपर शेडो फॉर्म होती हुई देखने को मिलती है, जो की हमें रिजेक्शन ऑफ द हायर प्राइसेस बताती है। थर्ड और लास्ट कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के दौरान भी हमें कुछ सिंगुलर बी बिहेवियर देखने को मिलता है और इस बार भी हमें लॉन्ग अपर शेडो कैंडल फॉर्म होती हुई देखने को मिलती है। अब इन तीन कैंडलस्टिक के बन जाने के बाद हमारा एडवांस ब्लॉक कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इस पैटर्न पे ट्रेड करना है, उसके लिए आपको एक फोर्थ कॉन्फर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न का वेट करना है। आप इस फोर्थ कॉन्फर्मेशन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर सेल कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल के पास प्लेस होगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर सकते हैं।